नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका शिक्षा प्रभा में। दोस्तों, मैं करुणा आज आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो। और इस वीडियो में आप लोग देखेंगे कि आपके जो अब 17 तारीख से मिड टर्म एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं, इसके अंदर आपको जो आंसर शीट दी जाएगी उसके फ्रंट पेज को आप कैसे फिल करेंगे। सबसे पहले तो बेटा, आप लोगों को जो यहाँ पर दिया गया है वो है आपका विद्यालय का नाम। तो सबसे पहले आप अपने स्कूल का नाम यहाँ पर लिख देंगे, जिस भी स्कूल से आप हैं। सेकंड में आपसे पूछा गया है कि शिफ्ट आप लोगों को बतानी है कि कौन से शिफ्ट में बेटा आप एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो शिफ्ट हमारे पास तीन है, मॉर्निंग शिफ्ट, इवनिंग शिफ्ट और जर्नल शिफ्ट। अगर आप जर्नल शिफ्ट से आते हैं तो जर्नल शिफ्ट लिखेंगे, अदरवाइज मॉर्निंग इवनिंग आप लिख देंगे। नेक्स्ट है बेटा, आपसे पूछा जा रहा है कि आपकी जो क्लास है वो कौन सी है। तो आप अपनी क्लास बता देंगे, आपका सेक्शन बता देंगे, कौन से सब्जेक्ट का आप एग्ज़ाम दे रहे हैं वो आप बता देंगे। परीक्षा कक्ष संख्या, कौन से रूम नंबर में बैठ करके आप एग्ज़ाम दे रहे हैं वो आप यहाँ पर लिख देंगे। नेक्स्ट है परीक्षा का दिन और तिथि। 17 तारीख को एग्ज़ाम है तो आप 17 तारीख मंडे यहाँ पर मेंशन कर देंगे। जो इसके बाद की डिटेल है वो आप बाद में भरेंगे कि आपको किसी दूसरी उत्तर पुस्तिका, मतलब आपने एडिशनल शीट ली है तो आप उसकी डिटेल यहाँ पर लिख देंगे, एक ली है या फिर दो ली है। CWSN अगर स्टूडेंट हैं तो आपको यस कर देना है, अदरवाइज नो कर देना है। यहाँ पर आप अपने साइन कर देंगे। जो नीचे वाला कॉलम है उसको आप नहीं छेड़ेंगे। यहाँ पर जो आपके रूम में इन्विजिलेटर्स होंगे, जो आपके एग्ज़ाम में आपको जज कर रहे होंगे, वो यहाँ पर अपना साइन करेंगे। इसके अलावा अब यहाँ पर आपसे पूछा गया है विद्यार्थी का नाम। तो बेटा, ये आपको कैपिटल लेटर में लिखना है। और जैसे कि आपका नाम है, समझिए, सौम्य विश्वास, तो आपको क्या लिखना है, सौम्य के बाद एक गैप छोड़ देंगे, डैश छोड़ देंगे, खाली कॉलम छोड़ देंगे, और उसके बाद आप अपना लास्ट नेम लिखेंगे, विश्वास। इस तरह से उत्तर देने का माध्यम, देखो बेटा ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। हो सकता है कि आप हिंदी मीडियम से हों या इंग्लिश मीडियम से हों, लेकिन कोई पेपर को देख करके अगर आपका मन कर रहा है कि उस पेपर को मैं इंग्लिश में दूं या हिंदी में दूं, तो आपको ये नहीं देखना है कि मैं कौन से मीडियम से हूँ, आप चयन कर सकते हो। समझिए, आपका पेंटिंग का एग्ज़ाम है, आप उसको हिंदी में देना चाहते हैं तो आप हिंदी का चयन कर लेंगे, बशर्ते आप इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट हों, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। नेक्स्ट है बेटा आपका विद्यार्थी का आईडी। तो यहाँ पर आपको आपकी आईडी आपके पास होगी, वो आईडी आपको ज़रूर याद करके जानी है। यहाँ पर आप अपनी आईडी मेंशन कर देंगे। इसके बाद आपका रोल नंबर आप लोगों को पता होगा, ठीक है। तो रोल नंबर आपका, जैसे क्लास में 7th क्लास का कोई बच्चा है और उसका रोल नंबर है 35, तो वो 35 नहीं लिखेगा, वो 7th क्लास के, समझिए, सी सेक्शन से है तो 7, सबसे पहले 7वीं क्लास है तो 7, सी सेक्शन है तो 3, तो 7-3 और रोल नंबर है उसका 35, तो 3-5, तो इस तरह से उसका रोल नंबर हो जाएगा 7-3-3-5। तो इस तरह से यहाँ पर वो अपना रोल नंबर लिखेंगे। इसके अलावा स्कूल की आईडी, आप जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं उसकी आईडी होती है, तो वो आईडी आप लिख लेंगे। आपको पता होगी, नहीं पता होगी तो जो भी टीचर एग्ज़ाम में आप लोगों के रूम में होंगे आप उनसे पूछ करके लिख सकते हैं। तो ये है आपका, मतलब, फ्रंट पेज, आपको किस तरह से सही डिटेलिंग लिखनी है जिससे कि आपकी आंसर शीट पे कोई कटिंग ना हो। आशा करती हूँ बेटा वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसी तरह की अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन को भी ऑल पर सेट जरूर रखें।